यदि आपके पास कोई एक्सेल की शीट इस प्रकार की आ जाती है जिसमें एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल या रो कॉलम है, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं बिल्कुल जैसे शीट होती है वैसा रखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल है या रो कॉलम है उनको पूरी तरह से डिलीट करना चाहते हैं। अगर इस तरह की शीट आ जाती है, ब्लैंक सेल रो कॉलम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो कैसे शीट के अंदर रिमूव करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है एक, ये ठीक है। तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये कॉलम है तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपल सा आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा डिलीट, डिलीट पर जाना है और यहाँ पर है डिलीट कॉलम, इस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो भी कंटेंट लिखा है वो साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड। अब दोस्तों यहाँ पर सेल एक्स्ट्रा है ना, तो हम इसको रिमूव करना चाहें, जब तक रिमूव नहीं करेंगे ये सेंटर में नहीं आएगा, एक्शन होगा है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, एंड आपको डिलीट का दिखेगा। डिलीट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, तो एंटर रो एंटर कॉलम ये नहीं करेंगे हम दोनों, हम करेंगे लेफ्ट राइट। अब ये देख लेना कि ये सेल कहाँ से, अगर लेफ्ट से हुई है तो लेफ्ट का सिलेक्ट करेंगे, राइट से हुई है तो राइट से, तो मुझे लगता है ये लेफ्ट से ही हुई है ना। तो देखिए लेफ्ट से है ये, जब तक हम इसको डिलीट करने करेंगे तो ये साइड से लेफ्ट में नहीं आएगा, ठीक है। लेफ्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट में सिलेक्ट हो चुका है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा रो बन गई, तो इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर डिलीट है, डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट सीट्स रो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक्स्ट्रा कॉलम है, इनको आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, सिंपल से एक ही बार में इनको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर डिलीट रो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से करते हैं, अगर प्रिंट व्यू आप देखोगे तो आपको दिखेगा, एंड यहाँ पर एक और है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, एंड दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है इसको भी हम डिलीट करते हैं, तो सिंपल सा लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर है डिलीट और यहाँ पर डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी बिल्कुल सीट एक सी हो गई है ना। अब आप इसका प्रिंट व्यू चेक करेंगे, काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पर प्रिंट व्यू पर करते हैं हम। तो देखिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी रो कॉलम नहीं दिख रहा होगा, अब जो लाइन है वो दिख रही होंगी, ठीक है। अगर आप इनको रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतना ही रखने देता हूं। अगर एक्स्ट्रा बीच बीच में सेल है या रो कॉलम आ जाते हैं तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय बाय।